तो आराम से बता दे क्या बात होगी, ये बता दे तू। मुझे तो क्या हुआ ये बताओ, ये इसपे टेंडर कैसे छूट गया? टेंडर किसके लिए है? तुम्हारा टेंडर कैसे छूट गया? तुम लोगों के लिए किसने कह दिया? तुम लोगों के लिए अब जो हुआ वो तुम लोगों के लिए कहा है? हमारे लोगों के लिए हुआ, हमारे लिए हुआ। अगर ये बात मैं प्रूव कर दूं तब क्या होगा? बेटा मोबाइल नीचे करो, नीचे करो, ये गलत बात नहीं, ये सही बात है। नहीं सही बात है, करो बराबर, करो बराबर, नहीं बदतमीजी कोई नहीं हो रही जी। पुलिस कहाँ जोड़ेगी? रिटायर्ड हुए हैं, उनको सब रखा गया है, उनके लिए आपको इन्फॉर्म किया किसी कर्मचारी को? धंधे को आपने बताया किसी को? आपका दायित्व यही है, अभी ऑफिस में बैठो, जो मर्जी आगे कर दो। तुम लोगों के लिए किसने? फिर तुमने कैसे कह दिया कि ये रिटायर्ड वालों के लिए है? ये है ही रिटायर्ड, नहीं हम नहीं मानते। 12-13 आदमी जो है उन्हीं के लिए काम करते हो, ये बताओ। गन्ने में, गन्ने में ऐसा है, किसने ये क्या वहाँ पे ये लिखा है कि संविदा वाले या सारे हटा दिए जाएंगे और तुम लोग को ऐसे दिया जाएगा? सर पहली तो बात हम आपसे बात ही नहीं करते, नहीं। एक बात। अच्छा। दूसरी बात, हम बात करेंगे उससे जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, नहीं कोई अधिकारी हो, नहीं बात करना चाहते हैं यहाँ पे, हमें ये बता दो। बिल्कुल, अगर बात नहीं करना चाहते हम भी बात नहीं करेंगे। मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसा है कि सीएम साहब का भी फोन आया था, लेकिन हमारे बच्चे अगर यहाँ पे बैठेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों की सारी ग्रीवेंसेस मानी जाएगी, जो आप लोग बात है जैसे आप लोग काम करते हैं। सर अभी हटेंगे, लिखित में दे दो, अभी लिखित में चाहिए। ये जो फोन जो कर रहे हो और मैं बता रहा हूँ, सब, सबसे बड़ा वो समय वो नहीं है प्रूफ, नहीं अपने करने दो। बात सुन लो, सर उन्होंने खुद ही कहा है कि आप लोगों की जो भी है आप लोग काम करते थे, आप जो भी नहीं है बाहर में झूठ बोले। अगर मैं कोठी बता बरामद कर दूं तो बाहर झूठ बिल्कुल। सर ऐसा है, हम बच्चे हैं पर इतने भी नादानी है, हमें बिना पता रहे कौन कहाँ है। मान लिया करो किसकी, आपने हमारी मान ली, आपने हमारी मान ली, हमने क्या गलत क्या किया, सही क्या किया आपने? तुम्हारे लिए गलत कहा किया? जब से आप हमारे फैक्ट्री में आए, तुम्हारी नौकरी चल रही है अभी भी, ड्यूटी जिसकी चल रही है, नौकरी है या कोई जो भी है, ये कोई नौकरी है इसको हम जिसे आप नौकरी कह रहे हो? जो भी है जैसे भी चल रही है वो अधिकार है। क्या वेतन है? सभी लेने के लिए तैयार हो तुम लोग? इतना बेतना लेने का अधिकार है? मैं आप लेने का ले रहे हो, एक क्वेश्चन करूं, सभी कर्मचारियों का वेतन क्या है जो गवर्नमेंट तैयार करती है? गवर्नमेंट पता तो नहीं ना, मुझे पता है 14,700 रुपया कितना है? गवर्नमेंट तैयार करता है, जाता कहाँ है? नहीं करते काहे को काम करती है? एक बात सुनो सर, गवर्नमेंट तैयार करती है, मेरी बात भी सुन लो, गवर्नमेंट तैयार करती है। करोड़पति देखते हो कौन बड़े करोड़पति, वहाँ पे मत ले जाओ, मुझे उठाने की कोशिश मत करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से आगा देना हो तो ठीक है, नहीं देना हो तो एसी में जाओ आराम से। दे तो हम लोग रहे हैं, नौकरी जो चल रही है, आप नहीं दे रहे? चल रही है, नहीं ऐसे नहीं चलने देंगे, ऐसे नहीं दिन हो गया सोचा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये तो आप एक काम कर लो, ये तो हमें मरवा दो, जी बच जाओगे, मरवा क्यों दे, ये तो जी बच जाओगे, या फिर समाधान करवा दो, समाधान फाइनली ना करोड़पति देखते ना करोड़पति देखते, समाधान के लिए तो बात है और क्या है? नहीं क्या ये कोई बात करो, और जिसने भी आप भेजे हो, जिसने भी आप भेजे हो वो क्यों नहीं आया? छोड़ो, अच्छा एक छोड़ दे तो फिर चलना जानकारी है भाई, ये बताओ कोई पकड़ पकड़ के लाया जाता है क्या? नहीं आप ये बात कही, 14,000 रूपए हम यहाँ पे शोषण हो रहा है, जो 14,000 पहले मेरी बात आप बताओ, इनके पास भाई हो गए कोई जवाब नहीं है, यहाँ बैठ जाओ आराम से, आराम बैठ लो भाई। ऐसा है ना, एक चीज है, हम साहब ने हम लोगों से कहा खुद बोलिए, उन्होंने खुद उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास ने भेजी हुई है, उनकी बात अगर आप सुनना चाहो तो हम लोग सुना सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जैसे पूर्वज चलते रहे हैं वैसे आप लोगों को चलाया जाएगा, आप लोगों नहीं चलेगा जी, आप लोगों के ऊपर कोई आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नहीं है। ये जो आउटसोर्सिंग से वो लिए जाएंगे जो रिटायर हो गए या कोई
और जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ कार्यरत रहे हैं उनके उनको ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको कर दिया, उनको कहीं ना कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा। जो न तो हमें संविदा कोई मतलब न तो जो आदमी रिटायर हो गया जिसका 60 साल में अपना गुजारा नहीं हुआ वो 4 साल में वो 4 साल में करेगा इसमें कौन सा सवाल है? उस टाइम तो भी नहीं लिख रहा रिटायरमेंट उस टाइम तो लिखी नहीं रहा आदमी जब तो नौकरी में टेंडर वो तो लिखी नहीं रहा रिटायर है परमानेंट है टेंडर खुलवा देंगे अभी जो टेंडर हुआ है सिर्फ वो 12-13 लोग किस किताब में लिखा है जो कर्मचारी तुम्हारा जो पढ़ रहा है कौन सी किताब में लिखा है वो संविधान की कुछ जरूरतें पड़ती हैं नहीं पड़ती है वो अपना निजी स्वार्थ है निजी स्वार्थ हम ये नहीं बताते अब मेरे कर्मचारी की बड़े सीनियर की मेरी बेइज्जती ना हो जाए आपको और वो मेरे कर्मचारी मेरे सीनियर कर्मचारी अब ये बच्चे तुम्हारा कितना बचाव करें एक दिन भी जोन साहब अपने आपको मानता हूँ एक दिन भी ड्यूटी नहीं कर सकता यहाँ के किसानों के बीच में और वो तो करके दिखाओ जी यहाँ टंडा बजे ना लट बजे हम लोकल के काम शहर गायब हो जाती गहरी कोई नहीं पाता भी नहीं तुम तो मेरे साथ लड़ाई कोई नहीं पाता शहर गायब रह गायब गेट बंद कर गए कोई भी बताओ आए हो मैं तो हर चीज में जहाँ भी रहता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ फोन में ना डालते कंडेरा हमारे साथ झगड़ा हुआ कंडेरा हमारे साथ झगड़ा हुआ मेरा कोई भी तोड़